विशेष सूचना, डॉक्टर राघव सिंघल डीएम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी प्रत्येक माह दूसरे एवं चौथे रविवार को रहेंगे धौलपुर में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक पुराना जनाना हॉस्पिटल कार्डिक आईसीयू के सामने हॉस्पिटल रोड धौलपुर। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राघव सिंघल एमडी मेडिसिन डीएम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पेट लिवर आंत रोग विशेषज्ञ हूँ। अभी मैं आजकल एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बाकी मैं आगरा में भी मेरा सेंटर है दिल्ली गेट पर। बाकी मैं अभी आजकल धौलपुर में मैंने बैठना शुरू कर दिया है। धौलपुर में मैं कार्डियक आईसीयू जो कि जनाना आईसीयू के अस्पताल के सामने लाइफलाइन हॉस्पिटल है वहाँ पर मैं बैठता हूँ। पेट लिवर आँत से संबंधित जो भी बीमारी हो उन सबका मैं विशेषज्ञ हूँ और बाकी उन चीज़ों के लिए अगर मरीज जो भी होते हैं या आप लोग जो भी मरीज जैसा हो वो मुझसे आके परामर्श ले सकते हैं। गुड सैमरिटन बन घायल को चिकित्सालय पहुंचाए हेमंत शर्मा। राजकीय कन्या महाविद्यालय में एनएसएस शिविर के दौरान सेमिनार का आयोजन, धौलपुर की प्रमुख खबर। एक अच्छे मददगार गुड सैमरिटन बनकर घायल को गोल्डन आवर्स में चिकित्सालय पहुंचाकर न सिर्फ हम घायल की जान बचाते हैं बल्कि अच्छे नागरिक का फर्ज भी अदा कर सकते हैं। उक्त वक्तव्य जिला परिवहन निरीक्षक हेमंत शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि अगर कोई सड़क दुर्घटना में घायल को चिकित्सालय पहुंचाता है तो उससे किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के अंतर्गत जहां घायलों का निशुल्क उपचार होता है वहीं गुड सैमरिटन के रूप में कार्य करने वालों को भी सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप 5,000 की राशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान हेमंत शर्मा ने कहा कि जिले में अवैध रूप से जो लोग खनन का कार्य कर रहे हैं ऐसे लोगों की हमें प्रशासन को जानकारी देनी चाहिए जिससे अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने विद्यार्थियों को यातायात नियमों के बारे में भी जानकारी दी और उनसे आह्वान किया कि वाहन चलाते समय सदैव यातायात नियमों की पालना करें तथा प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। इस अवसर पर एनएसएस प्रभारी देवेंद्र सिंह परमार ने सभी मंचासीन अतिथियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में न्याय दर्शन संस्था के सचिव संजीव दिवाकर एडवोकेट ने भी अपना उद्बोधन दिया। इस तरीके से रोड पे अगर कोई दुर्घटना होती है हमारे सामने तो हम उसमें कैसे हम लोगों की जान बचा सकते हैं। हम अगर गोल्डन आवर्स के अंदर 1 घंटे के अंदर किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो पहले ये डर लगता था कि पुलिस हमसे पूछताछ करेगी, पुलिस को हमें जवाब देना पड़ेगा। गाइडलाइंस आ चुकी हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई भी आपका नाम अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। मुन्ना लाल मास्टर के घर पर फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर। 31 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट मुन्ना लाल पुत्र श्रीपद मीणा निवासी खेड़ा रोड बाई का बाग बाड़ी ने थाने पर पेश की कि 30 जनवरी 2023 को शाम लगभग 8 बजे बोलेरो गाड़ी में बंटू उर्फ सतीश मीणा निवासी सोनीपुर लवकुश मीणा एवं अन्य गाड़ी में बैठे रहे। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों बंटू और लवकुश ने घर पर आकर बंदूक से जान से मारने की गोली चलाई जिसकी फुटेज कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन गेट लगा होने से मेरी बेटियां बाल बाल बच गईं। इस पर थाने में मामला दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है। दर्ज रिपोर्ट के नामजद मुलजिम बंटू उर्फ सतीश मीणा पुत्र राम नरेश मीणा 20 साल निवासी सोनीपुर सदर थाना बाड़ी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मुलजिम को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी महेंद्र सिंह के साथ श्याम सुंदर एएसआई राजेंद्र राजेश कुमार सूबे सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। सर्वथरा पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक किया गिरफ्तार। सर्वथरा की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आज दिनांक 1 मार्च 2023 को थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस थाना सर्वथरा पर अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर मुलजिम दीपक पुत्र रामदास जाति वंशकार उम्र 20 साल निवासी अंबेडकर कॉलोनी डबरा थाना डबरा सिटी जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश को वारदात करने की फिराक में एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर मई दो जिंदा कारतूस के लेकर घूमते झिरी मोड़ कस्बा सरमथरा से किया गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ आर्म्स एक्ट में थाना सरमथरा में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। थाना क्षेत्र में अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। सरमथरा थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में जगदीश प्रसाद शर्मा एएसआई जसवंत सिंह अभिषेक कुमार संदीप शर्मा कांस्टेबल चालक थाना सरमथरा शामिल रहे।
श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर द्वारा चलाए जा रहे बदमाशों की धरपकड़ अभियान के तहत थाना सरमथुरा पुलिस ने कल दिनांक 1 मार्च 2023 को अवैध हथियार की धरपकड़ में एक कार्रवाई की है, जिसमें मुलजिम दीपक पुत्र रामदास, जाति बरार बंसकार, उम्र करीब 20 साल, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी डबरा, थाना सिटी डबरा ग्वालियर MP को गिरफ्तार किया है। इस मौके से एक 315 बोर का कट्टा और दो 315 बोर के जिंदा कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल की है। मुलजिम पूर्व से भी डबरा थाने का कई मामलों में आपराधिक रिकॉर्ड है मुलजिम का, जिससे मुलजिम से इस हथियार को रखने और लाने लाने वक्त अनुसंधान किया जा रहा है। इस पर थाने पर मुकदमा 3/25 आम सेक्ट में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। रैना वाली माता मेला एवं होली को लेकर CLG की बैठक आयोजित। देहोली की प्रमुख खबर, आज देहोली थाने पर CLG सदस्यों की बैठक की गई, जिसमें मनिया व्रत अधिकारी दीपक खंडेलवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें देहोली थाना अधिकारी बीधाराम के नेतृत्व में पुलिस मित्र एवं थाना सखी व कई पंचायतों के सरपंच प्रतिनिधि एवं जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत कराने को कहा और लोगों ने अपनी समस्याएं बताई एवं 22 मार्च से मां रहना वाली पर लगने वाला लक्खी मेला शुरू हो रहा है, उसकी तैयारियों के बारे में पुलिस व्यवस्था कैसी रहेगी उस पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल जिला परिषद सदस्य किरोड़ी लाल, मरेना सरपंच प्रतिनिधि नानिक राम, चौहानपुरा सरपंच प्रतिनिधि भूरा तोमर, लालपुर सरपंच एवं अन्य CLG सदस्य मौजूद रहे। मरेना से सत्य प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। सैपो रोड पर भी ठेकेदारों की मनमानी जारी है। बाड़ी की प्रमुख खबर, कस्बा के ज्यादातर नागरिक ठेकेदारों की मनमानी से बेहद परेशान एवं आतंकित हैं। संपूर्ण कस्बे के आम रास्तों को खोद दिया गया है। इसी प्रकार सैपो रोड पर भी लोगों के घरों के सामने गिट्टी कचरा डाल दिया गया है, जिससे लोगों का अपने घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। ठेकेदारों की इस लापरवाही को कोई देखने वाला नहीं है। उपखंड प्रशासन को आमजन की समस्या की तरफ ध्यान देते हुए ठेकेदार की मनमानी पर अंकुश लगाना चाहिए। ठेकेदार ने जलदाय विभाग का बताते हैं, उन्होंने ये रोड पे एक ट्रॉली मरम खलवा दी मेरे घर के जस्ट दुकान और गेट के सामने। उससे आए दिन हादसे हो रहे हैं, मेरी गाड़ी भी गैरेज से नहीं निकल पा रही। आज मोटरसाइकिल निकाली तो मैं खुद गिर गया, मोटरसाइकिल गिर गई। और चार दिन से परेशान है, मैंने लोकल न्यूज चैनलों पर भी डाला कि भाई इसकी समस्या का समाधान करो। ट्रॉली डाल के चले जाते हैं, न तो उसको एक्सा करते और न उसका कोई समाधान करते। कोई सुन नहीं रहा है, प्रशासन भ्रष्ट है और ठेकेदार तो भ्रष्ट है ही, क्योंकि उनकी मनमानी चल रही है। हमको पता भी नहीं है कौन ठेकेदार है। रात में गोद गोद के डाल के चले जाते हैं और रात में मरम डाल के चले जाते हैं। इकट्ठी एक जगह ट्रॉली खलाई और चले जाते हैं। काका मामला है ये सैंपो रोड पे कंसाना भवन के सामने से लेकर पीपल मंदिर तक यही पोजीशन है। गड्ढे पड़े हुए हैं, पाइपलाइन डाली गई है, कहीं कोई मरम्मत नहीं हुई। कोई आम आदमी, दूध या मोटरसाइकिल वाले, हर आदमी ग्रामीण परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। शांति समिति की बैठक आयोजित। सरमथुरा की प्रमुख खबर, आज दिनांक 2 मार्च 2023 को उपखंड अधिकारी कार्यालय सरमथुरा के सभागार में SDM मनीष कुमार एवं तहसीलदार उत्तम चंद की अध्यक्षता में कस्बा की शांति समिति के सदस्यों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक एवं संभागीय आयुक्त द्वारा BC में दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के संबंध में निर्देश दिए गए। बैठक में थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा थाना सरमथुरा एवं थानाधिकारी थाना नादनपुर के साथ शांति समिति सदस्य मौजूद रहे। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलन का कल होगा आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर, पत्र सूचना कार्यालय जयपुर के संयुक्त निदेशक पवन सिंह फौजदार ने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से धौलपुर में होटल इंपीरियल सैपो रोड पर कल 3 मार्च को सुबह 10 बजे क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलन वार्तालाप का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत मीडिया कर्मियों के साथ संवाद स्थापित कर केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं के प्रचार प्रसार में सहयोग
प्राप्त करना है। इस आयोजन में पत्र सूचना कार्यालय और क्षेत्रीय मीडिया कर्मियों के बीच बेहतर समझ और समन्वय स्थापित हो सकेगा। सम्मेलन में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को और बेहतर बनाने और लागू करने के लिए मीडिया कर्मियों के सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे। अवैध शराब के साथ कंचनपुर पुलिस ने एक किया गिरफ्तार। कंचनपुर बाड़ी की प्रमुख खबर। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति विक्रम गुर्जर निवासी अतराज का पुरा थाना कंचनपुर को अवैध शराब के 105 पौए के साथ टोटरी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया। अवैध शराब के साथ मुलजिम को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा के साथ लालमन सिंह एएसआई, गोविंद सिंह हेड कांस्टेबल एवं धर्मवीर सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। पुलिस ने किया पैदल मार्च। होली के त्योहार पर सौहार्द की अपील। सर्वथा की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सीओ के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कस्बे में बुधवार शाम को पैदल मार्च निकाला। होली के त्योहार पर शांति व सौहार्द बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता ने पैदल गश्त किया। गश्त के दौरान लोगों को भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। इसी के साथ साथ कस्बे में व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु मेडिकल स्टोर्स एवं दुकान मालिकों व प्रतिष्ठान मालिकों से अनुरोध किया और बाजार में अव्यवस्थित रूप से लगने वाली ठेल ढकेलों को व्यवस्थित कराया एवं यातायात व्यवस्था में असुविधा पैदा न हो इस बाबत ठेल ढकेलों को सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से लगवाए जाने हेतु दुकानों से अपील की गई। बाजार में दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर अनावश्यक रूप से लगे अतिक्रमण को हटाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं लोगों से शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी गई। साथ ही बताया गया कि किसी भी दशा में सौहार्द में खलल नहीं आने दिया जाएगा। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने कहा कि यदि कोई भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसे सख्ती के साथ निपटेगी। पुलिस प्रशासन ने बाड़ी बस स्टैंड, हॉस्पिटल रोड, करौली बस स्टैंड, फौदा का चौक, पटा चौक सहित कस्बे के प्रमुख मार्गों में पैदल गश्त किया। इस दौरान थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा, कांस्टेबल सुमेर सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सर्वथा से शिवम दीवान संवाददाता की रिपोर्ट। बीस दिन के अंदर लग जाएंगे शहर में कैमरे। रामजीत सिंह। होली व मेलों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित। बाड़ी की प्रमुख खबर। आगामी होली के त्योहार को लेकर पंचायत समिति सभागार में शांति समिति की बैठक एसडीएम गिरधर मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक व उपखंड स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में उपखंड अधिकारी गिरधर मीणा ने कहा कि आगामी होली के त्योहार को लोग शांति से मना सकें, जिसको लेकर पुलिस एसएचओ को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री गिरीश शर्मा ने कहा कि होली से लेकर हनुमान जयंती तक बाड़ी शहर में विभिन्न मेलों व त्योहारों, शोभा यात्रा आदि के आयोजन होंगे, जिसको लेकर पुलिस व्यवस्था की महती आवश्यकता है। बारह भाई मेला अध्यक्ष विष्णु मित्तल ने कहा कि बाजार में अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है और तिरपाल डाल रखी है, उन्हें हटाया जाए। जलदाय विभाग द्वारा जो गड्ढे कर दिए गए हैं वो मेले में व्यवधान पैदा करेंगे, इन गड्ढों को भरा जाए। साथ ही उन्होंने सुरक्षा को लेकर नगर पालिका द्वारा कैमरे लगाने में विलंब का कारण पूछा तो अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह ने 20 दिन में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आश्वासन दिया। वहीं अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, समाजसेवी राम कुमार मीणा ने भी संबोधित किया। बैठक में उपस्थित लोगों द्वारा कई सुझाव दिए गए। बैठक में तहसीलदार पुरुषोत्तम, ईओ रामजीत सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, थानाधिकारी बाड़ी महेंद्र चौधरी, थानाधिकारी सदर हीरालाल मीणा, नगरपालिका उपाध्यक्ष अहमद जमा खां, रसीद खान, विष्णु महेरे, मुकेश फौजी, विष्णु मासलपुरिया, साबिर खान, जगन्नाथ कोली आदि लोग मौजूद रहे। बाड़ी से प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। असली गाने भी प्रसाद कर देते हैं, कई बार क्या है कि धर्म के प्रति अलग बात हो जाती है और उससे माहौल खराब हो जाता है, व्यवस्था खराब होती है। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछली बार मैंने 2-3 यात्रा निकलवाई है धौलपुर की, तो लोग कह रहे थे वहाँ पे, क्योंकि उसका टारगेट सबसे पहले मुझे कर दिया साहब ने झारखंड के लिए, क्योंकि वो वहाँ से निकलता है, वो बगीचे से सारा प्रोग्राम। तो
ऐतिहासिक श्री बारह भाई मेला का होगा शानदार आयोजन, बड़ी की प्रमुख खबर। मेला कमेटी के अध्यक्ष प्रसिद्ध समाजसेवी विष्णु कुमार मित्तल मासलपुरिया ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के 165 वर्ष पुराने ऐतिहासिक मेला श्री बारह भाई का 9 मार्च को प्रातः 10 बजे पुराना बाजार बाड़ी में ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ होगा। 14 मार्च को पुराना बाजार में मेला बैठक होगी। इसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इस मेले का प्रमुख आकर्षण 15 मार्च को शहर के प्रमुख मार्गों से शाम 5 बजे श्री राम जानकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी तथा 16 मार्च को शहर के किला गेट पार्क पर राजगद्दी समारोह में श्री राम का राज्याभिषेक कार्यक्रम होगा। बार एसोसिएशन धौलपुर के कल होंगे चुनाव, धौलपुर की प्रमुख खबर। धौलपुर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव कल 3 मार्च को आयोजित होंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि कल 3 मार्च को सुबह मतदान प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी तथा मतदान के तुरंत बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। धौलपुर से एडवोकेट रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। बस 2023-24 की धौलपुर अभिभाषक की कार्यकारिणी का चुनाव 3-3-2023 को यानी कि कल होगा, जिसमें कल ही मतदान होगा, कल ही देर रात तक चुनाव परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव की संपूर्ण तैयारी पूर्ण कर ली गई है। 9 बजे से 3:30 बजे तक मतदान होगा, तुरंत बाद परिणाम घोषित कर दिया। शिष्य ग्लोबल स्कूल में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिताएं संपन्न, धौलपुर की प्रमुख खबर। आज शहर के शिष्य ग्लोबल स्कूल में 3 दिवसीय स्पोर्ट डे प्रोग्राम संपन्न हुए। खेलों की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और फूल माला चढ़ाकर स्कूल चेयरमैन बीएन शर्मा, वाइस प्रिंसिपल मिस एलिस गैरी स्कॉटलैंड के द्वारा पूजा अर्चना कर प्रारंभ किए गए। छात्र छात्राओं ने कई प्रकार के खेलों में भाग लिए, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं सद्भावना और भाईचारे के साथ खेल खेले गए। खेलों के समापन पर चेयरमैन बीएन शर्मा ने कहा, बच्चों में मानसिक विकास के अलावा शारीरिक बौद्धिक विकास भी बहुत जरूरी है। अंत में स्कूल की वाइस प्रिंसिपल एलिस गैरी मैडम ने सभी बच्चों को और अभिभावकों समस्त स्टाफ को धन्यवाद दिया और होली की सभी देशवासियों को शुभकामना प्रेषित की। इस मौके पर स्कूल के सचिव अनुराग मुदगल, कोऑर्डिनेटर नितिका जैन, आरती झा, संदीप शर्मा, घनश्याम अग्रवाल, सुनीता शर्मा, खुशी शर्मा, जेपी सर उड़ीसा, पूजा शर्मा, शिखा श्रीवास्तव, हेमलता शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। तीन दिवसीय विज्ञान मेला आयोजित, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में विज्ञान में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में रुचि जगाने और विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने को स्वर्गीय रामरतन राठौर शिक्षा प्रसार एवं जन कल्याण समिति के द्वारा SBM पब्लिक स्कूल राजाखेड़ा में 3 दिवसीय विज्ञान मेला का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिन प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता हुई। दूसरे दिन मॉडल प्रतियोगिता एवं ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यालय के अनेक बच्चों जिनमें नंदिनी, पल्लवी, पूजा, यामिनी, मोहिनी, खुशी, गुंजन, ध्रुव, सोहिल तायर, आदित्य, अमन, वरुण इत्यादि ने भाग लिया। इससे पहले विज्ञान मेले के उद्घाटन सत्र में नगर पालिका पार्षद नवल सिंह द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई और मुख्य अतिथि श्रीमती ममता गुप्ता, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं विशिष्ट अतिथि बंटी सरपंच, रामोतार लोहिया समाज सेवी दिनेश शुक्ला, रमेश चंद तिवारी, उन्मेश संदीप वात्सल्य एवं मंच संचालन राकेश कुमार आचार्य ने किया तथा अंत में कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी विद्यालय के सचिव मोहन प्रकाश ने दी एवं अतिथियों एवं आगंतुकों का समय देने के लिए आभार व्यक्त किया गया। राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग आयोजित, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। आज 2 मार्च को राजस्थान सरकार की द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को घर घर तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी युवा वॉलंटियर लगाए गए हैं, जिसके तहत आज राजाखेड़ा ब्लॉक की ट्रेनिंग की गई, जिसमें मुख्य अतिथि राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि आप लोग सरकार की रीढ़ की हड्डी हो, आप सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे। जिला प्रभारी मनोज गुर्जर ने वॉलंटियरों को उनके कार्यों के बारे में अवगत कराया व सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी अमृतलाल मीणा, कार्यक्रम प्रभारी कृष्णकांत सिकरवार एवं राजीव गांधी युवा मित्र रामशंकर गुर्जर, वकील सिंह, कमल किशोर वर्मा, जयपाल सिंह, संतोष सेवरिया सहित आदि लोग उपस्थित रहे। और किसी भी स्टेट में ये कारोबार अभी नहीं चालू है, केवल पहला स्टेट, पहला राज्य
हमारा राजस्थान है जिसमें आप लोग सभी भी सरकारी योजनाओं से जुड़ रहे हैं। ये हमारे माननीय अशोक जी गहलोत की देन है जिससे आप सभी लोग इससे जुड़ रहे हैं।